कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम करने वाले माता पार्वती का लुक रिक्रिएट। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या आप एक्साइटेड हो? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और हाँ, आज भी हम है ना कल्याणी मैम के पास ही जा रहे हैं मेकअप करने के लिए, तो मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद ना हम निकलते हैं फिर। तो इस लुक को लेकर है ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि है ना इसमें मुझे कुछ नया करने को मिलेगा। हो गई मैं रेडी। मम्मी, मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे। हे भगवान, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको क्या कहा था कि मुझे दूध चाहिए, लेकिन तू मेरी सुनता ही नहीं। तू तो कमर के ऊपर हाथ रख के खड़ा है, जल्दी से मुझे दूध दे दो। देखा, भगवान मेरी बात कभी नहीं टालते। चलो तो अभी हम निकल चुके हैं, क्योंकि क्या है ना मेकअप के लिए वहां पे कम से कम 2 से 3 घंटे तो मेकअप के लिए लग जाएंगे ना, इसीलिए हम है ना घर से जल्दी निकलते हैं। डिसाइड कर लिया है कि मेरे को आराम करने देने का ही नहीं है। तो क्या हुआ, छोड़ के आ जाओ वापस। अच्छा, वीकेंड था, मैं मस्त सोता था थोड़ी देर, लेकिन नहीं, चलो। और कहाँ चलने का? तो पार्लर में। बाय पापा। बाय बाय। लेने के लिए आना। चलो तो आ गए हम लोग पार्लर में। मम्मी, आज के लुक के लिए एक्साइटेड हो? हाँ, बहुत ज्यादा। हाय मैम, हाउ आर यू? हाय। आज तो बहुत एक्साइटेड है। तो चलो मैं आपको पार्वती माता का आउटफिट और ज्वेलरी दिखाती हूँ। ये देखो, फर्स्ट ये है साड़ी और ज्वेलरी, देख रहे हो कितनी सारी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और इतनी मस्त मस्त ज्वेलरी है ना। तो फर्स्ट ये जो सिर पे लगाते हैं ना यहाँ पे पीछे, ये है ये। ये रहा गले का हार, कितना मस्त है ना, देखो। अच्छा दिख रहा है। और ये देखो, ये जो है ना मुझे यहाँ पे लगाना है माथे पे, और ये भी एक हार है बड़ा वाला। ये रही नोज रिंग, और ये दो एयर रिंग। कितने मस्त है ना। और ये सामने ऐसे हाथ में पहनना है मुझे। मुझे तो बहुत मजा आएगा, एकदम मस्त है सब। देखो, और ये देखो, ये रही साड़ी, मस्त है ना। और ये ज्वेलरी, साड़ी, सब कुछ आंटी के पास अवेलेबल रहता है। हाय, मेरे पास सब ज्वेलरी, सब टाइप की, और कॉस्ट्यूम है। हाँ। आप जरूर एक बार विजिट करें। आंटी के पार्लर का नाम है कस्तूरी पार्लर, तो प्लीज आप एक बार जरूर विजिट करना, बहुत अच्छा लगता है। आंटी इतनी प्यार से बात करती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बंसीलाल नगर मध्ये, रेलवे स्टेशन रोड, श्री माया होटल के समो। अगर आप औरंगाबाद से हो तो एक बार आंटी के पार्लर पे जरूर विजिट करना। तो ये देखो, ये रहा ऊपर का टॉप, यानी कि ब्लाउज। अभी मैं इसको पहन लेती हूँ और जल्दी से रेडी हो जाते हैं हम लोग। तो मेरा मेकअप जो है वो स्टार्ट हो गया है, और आज का मेकअप है ना आंटी करके दे रहे हैं। अब आप देखोगे कि 30 साल का एक्सपीरियंस जब काम करता है तो कैसा परफेक्शन आता है। वेट एंड वॉच। आधा घंटा लगेगा अपने को, आधे घंटे में हमारा मेकअप रेडी हो जाएगा। देखो अभी आई मेकअप हो रहा है, अभी थोड़ा सा और आई मेकअप बाकी है, फिर फेस मेकअप, फिर डन। जो है वो
ऑलमोस्ट हो गया है, बस लास्ट का भी टच अप दे रहे हैं, तो मैं आपको है ना मेरा फाइनल लुक ही सीधा दिखाऊंगी। रेडी हो आप सब लोग मेरा फाइनल लुक देखने के लिए? तो मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ ज्वेलरी पहनकर, अभी लास्ट प्रोसेस बाकी है। ये जो आलता है ना ये लगा रहे हैं, फिर उसके बाद में मैं सीधा आपको मेरा फाइनल लुक दिखाऊंगी। और अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाली लोकेशन पे फोटोशूट और शूट करने के लिए, तो चलो मैं आपको वहीं पे लेके चलती हूँ, वहाँ पे फोटोशूट और वीडियोज निकालेंगे। आ गई मम्मी, आ गई। चलो चलना नहीं आ रहा क्या? नहीं कुछ नहीं, अभी हमें यहाँ से कहाँ जाना है? ये आंटी बता रहे हैं ना, आराम से। हाँ चलो बैठो मम्मी। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं खड़केश्वर मंदिर, जो औरंगाबाद से उनको पता ही होगा खड़केश्वर मंदिर कौन सा, बात कर रही हूँ मैं कौन से मंदिर की। आ गए हम लोग हमारे लोकेशन पे, चलो अभी हम बाहर चलते हैं और अपना शूट स्टार्ट करते हैं। देखो ये रहा महादेव जी का मंदिर। अभी तक फोटोग्राफर आए नहीं है, हम उन्हीं का वेट। अरे बोले आ गए। तो क्या आप रेडी हो माता पार्वती का फाइनल लुक देखने के लिए? लग रहा होगा मंदिर में मैं सिर्फ अकेली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे सामने है ना 10 लोग थे, और जो दर्शन करने वाले थे वो भी मेरे सामने थे, तो मुझे है ना बहुत नर्वसनेस हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना अपने सच्चे दिल से महादेव की पूजा स्टार्ट कर लेती हूँ, जिसको जो शूट करना है ना वो बराबर कर लेगा। और फिर मैं महादेव की पूजा में खो गई। अभी आप ही डिसाइड करो कि मैंने आपको पार्वती माता के दर्शन कराए या नहीं। वैसे हर लड़की पार्वती है। हो गया अंदर का शूट और मेरा महादेव जी से आशीर्वाद भी ले लिया। ज्वेलरी बहुत हैवी है ना, इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक लाइक तो कर ही सकते हो, जल्दी से कर दो। एक एक किलो के कान में के ये बहुत दर्द हो रहा है अभी मेरे कान में। तो अभी हम है ना यहाँ पे वेट इसलिए कर रहे हैं, पापा हमें आ रहे हैं लेने के लिए, तो हम है ना पापा के साथ में ही जाएंगे पार्लर। मम्मी ने देखो मेरे लिए पापा को बुला लिया।
तो पापा आ गए, चलो पापा के रिएक्शन देखते हैं, मुझे देख के क्या आता है। तुझे खूब मोठी फैन है। थैंक यू सो मच। आणि मी पण शारदा मंदिर कन्या प्रशालेच आहे। किती होते तू? 6वी। अच्छा मग तू दुपारी नाचते? हो, आम्ही सगळे वाट बघत असतो, बिंदास काव्य दिसते का, बिंदास काव्य दिसते का। देखो हमारी गाड़ी का नंबर भी इसने लिख के रखा हुआ है, कितनी बड़ी फैन है। थैंक यू। ये भी काव्य है। इसका नाम भी काव्य है? हाँ। अरे बाप रे। चलो आप आगे चलो, मेरे को देखने दो। तू तो बिल्कुल एकदम पार्वती माता के जैसे ही लग रही है, ऐसा लग रहा अभी उतर के तेरे दर्शन कर लो। वैसे हर बाप के लिए उसकी बेटियां ना माँ से कम नहीं होती। चलो आप। बाय बेटा, बाय, थैंक यू। चलो अभी हम जा रहे हैं पार्लर। पकड़ो, गिर जाएंगे। क्या लाए? मोमोज। वाओ, ये देखो। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कल्याणी मैम के हाथ में कैसा जादू है। उन्होंने मुझे इतने अच्छे से पार्वती बनाया कि मैं अपने आप में ही खो गई। हे माँ पार्वती, आपके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया, धन्य। सो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मुझे कमेंट में ये बताना कि आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा। मुझे छोटा मोटा रोल तो मिल ही सकता है ना। तो इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो ढेर सारी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलना हर हर महादेव। अरे रुको रुको रुको, ये तो देखते जाओ कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है। उतना ही टाइम लगता है। चिकू का चलो चलने का है, कभी अभी जाना है। अरे 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 पापा, अरे पापा क्या हो गया? अचानक क्या हो गया पापा? आपको कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? ऐसे दोस्त है, दोस्त लेने जाने का है। चलो चलो चलो, जल्दी रेडी हो जाओ। मुझे नहीं जाने का किधर भी। क्या हो गया आपको? मुझे कहीं नहीं जाने का।